वेलकम टू क्रिकेट विद एमजेड स्पोर्ट्स चैनल। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम में तब्दीलियां ना करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मिसबाह वकार और बॉलिंग कोच वकार यूनिस अपने फैसले पर डट गए। निजी टीवी जियो न्यूज के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चीफ सिलेक्टर मिसबाह वकार ने टीम में ज्यादा तब्दीलियां ना करने का फैसला किया है। मिसबाह वकार का कहना है कि नौजवान टीम को हमने एक और चांस देने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में टीम की मुसलसल शिकस्त पर मिसबाह का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा हर टीम के लिए मुश्किल होता है। तमाम टीम में वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर के ना होने से नौजवान फास्ट बॉलर्स पर दबाव बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो परफॉर्म ना कर सके। तहम हमने फैसला किया है कि नौजवान खिलाड़ियों को एक और चांस जरूर देंगे। जराए के मुताबिक ये अपडेट्स भी आ रही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ फवाद आलम, राहत अली और जुनेद खान की टीम में वापसी हो सकती है। तहम हतमी फैसला चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैं आप तक की लेटेस्ट अपडेट्स पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अगर अपडेट्स अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कर लें, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।